कि बीजेपी के नियत में खोट, बीजेपी पहले से ही नहीं चाहती थी कि ये काम हो। वाले बताएं कि आप क्यों गए थे तब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में। नमस्कार, मैं नमणी से आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। आज से जातिगत जनगणना शुरू हो गया है, उसको लेकर बीजेपी पूरा हमलावर है। देखिए RJD प्रवक्ता मितेंद्र तिवारी क्या कुछ बोले हैं कि बीजेपी के नियत में खोट है, ये तो दिख ही रहा है। बीजेपी किस मुँह से विरोध कर रही है? वही बीजेपी सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानमंडल से पारित हुआ तो बीजेपी साथ थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने गया जाति जनगणना कराने को लेकर, तो बीजेपी साथ गई। सर्वदलीय बैठक हुई, बीजेपी थी और बीजेपी पलट रही है। बीजेपी का ये दोहरा मापदंड, ये एक्सपोज हो गई बीजेपी। इसलिए बीजेपी पहले से ही नहीं चाहती थी कि ये काम हो, अब ये काम हो रहे हैं तो बीजेपी बेचैन है। और जाते जो ना हो रहा है उसका क्या फायदे हैं भाई? लोग जो हमारा सरकार की योजना का लाभ है उन तक पहुँचे, वैसे लोगों तक जो अंतिम कतार में बैठे हैं। कौन लोग हैं जो रिक्शा चला रहे, ठेला चला रहे, भीख मांग रहे? ये बात आदरणीय लालू प्रसाद जी का सपना, ये लंबी लड़ाई थी, मांग था ये कराने को लेकर के। आज डिप्टी CM बने हैं तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, बिहार सरकार ने कराने का फैसला लिया था, सर्वसम्मत फैसला था, उस पर अमल हो रहा है, आज की शुरुआत हो रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी का कहना है कि जाति जनगणना होने से समाज में डिवाइड एंड रूल का RJD का पूछा जाए, बीजेपी वाले बताएं कि आप क्यों गए थे तब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री जी से मिलने, ये मांग रखने के लिए? क्यों सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानमंडल में पारित हुआ? ये सब बीजेपी बकवास कर रही है। बीजेपी दरअसल चाहती नहीं है ये उपलब्धि महागठबंधन की सरकार के लिए। बीजेपी को अगर मनसा साफ है, नियत साफ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर देश में उनकी सरकार है, उसको जाति जनगणना कराना चाहिए। आपने सुना साफ कहना है जिसे बीजेपी जो है जाति जनगणना कराने जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जाति जनगणना बहुत सफल हो रही है, तो थोड़ा ऐसे बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है। तो आप खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।